हाय, आज हम लोग बात करेंगे एक ऐसे की जिसका नाम है ऑन गेटिंग ऑफ टू स्लीप। आज हम लोग इस ऐसे का क्रिटिकल एप्रिसिएशन को पढ़ेंगे। ये आपको बिल्कुल इजी लैंग्वेज में मिलेगा और या ये बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में है, आप आसानी से इसको समझ सकते हैं। ये ऐसे जे बी प्रिस्ली के द्वारा लिखा गया है और जे बी प्रिस्ली एक बहुत अच्छे राइटर थे। वो एक नावलिस्ट थे, शॉर्ट स्टोरी राइटर थे, ड्रामेटिस्ट, लिटरेरी क्रिटिक और एक एसेसिस्ट थे। तो यहाँ ये ऐसे में ये ऑथर जो बात कर रहे हैं वो बता रहे हैं कि नींद हम लोगों के लिए कितनी इम्पोर्टेंट है, कितनी ज़रूरी। वो कहते हैं कि जब हम लोग बेड पे जाते हैं सोने के लिए लेकिन नींद नहीं आती है, और कुछ ही लोग होते हैं जो कि कंप्लीट यानी पूरी रात अच्छे से सोते हैं और एक अच्छी नींद लेते हैं। वो कहते हैं कि वो लोग जो सो नहीं सकते हैं, जिनको नींद सही से नहीं आती है, वो लोग एक स्लीपिंग डिसऑर्डर होता है, ये एक बीमारी कह सकते हैं आप इसको, एक बीमारी होती है ये जिसका नाम है इंसोमनिया। ये इंसोमनिया क्या है? ये इंसोमनिया ये एक स्लीपिंग डिसऑर्डर है। वो आपका क्या होता है कि नींद का जो सिस्टम है वो बिल्कुल ही अलग हो जाता है, आपको नींद नहीं आती है। तो ये एक स्लीपिंग डिसऑर्डर है जहाँ की नींद लाने की कोशिश करते हैं लेकिन उनको नींद नहीं आती है, अब वो परेशान होते हैं। वो आगे बताते हैं कि एक बुटलाज है, BUTALAS, बुटलाज, ये एक कंसंट्रेशन मेथड है जहाँ की उन्होंने इस मेथड को भी ट्राई किया और ध्यान लगाया कि वो अच्छी नींद में सो जाए, लेकिन जितना ज़्यादा उन्होंने ध्यान लगाया उतना ही ज़्यादा उनको जो भी नींद आ रही थी वो भी चली गई और नींद बिल्कुल ही आना बंद हो गई। तो उनकी जितनी कोशिश थी कि नींद आ जाए वो सब उनका बेकार हो गया। अब वो रात में जागे जागे पूरी रात जागे रहे और सिर्फ स्मोकिंग करने लगे। वो बताते हैं कि ये जो बुटलास है, कंसंट्रेशन मेथड, ये एक्चुअली में उनको उनके फ्रेंड ने एडवाइस किया था, और यहाँ ये बताते हैं कि उनका जो फ्रेंड्स का एडवाइस है वो भी किसी काम का नहीं था, और उनका जो भी टेक्निक्स और जो भी मेथड उन्होंने इस्तेमाल किया है कि उनको नींद आ जाए वो बिल्कुल ही कोई काम का नहीं था, सब बेकार चला गया। जे पी प्रिस्टले कहते हैं कि स्लीपिंग इज़ ए बून, मतलब जो नींद है एक वरदान है। वो कहते हैं कि ये जिसने हम लोगों को बनाया है, मतलब वो बता रहे कि हम लोगों को गॉड ने बनाया है, और उस ये जो नींद है वो ये एक गिफ्ट है हम सब के लिए। यहाँ जे बी प्रिस्टली ज़्यादातर फोकस कर रहे हैं इंसोमनिया पर, क्योंकि इंसोमनिया ही वो कारण है जिसकी वजह से नींद नहीं आ रही है। ये उस वक्त के सिचुएशन को बता रहे हैं कि जिस वक्त नींद आनी चाहिए उस वक्त उनको बिल्कुल ही नींद आंखों में नहीं है, और उनको जो परेशानी हो रही है या उनके दिमाग में जो चल रहा है और जो टेंशन है जो काफ़ी ज़्यादा उनको परेशान कर रही है। तो यहाँ पे सिंपली वो बताना चाहते हैं कि उस वक्त बहुत परेशानी होती है जब आपको नींद नहीं आती है, और ये सब इंसोमनिया के कारण होता है, या कभी आपको किसी तरह का टेंशन होता है या परेशानी होती है। ऑन गेटिंग ऑफ टू स्लीप, ये जो टाइटल है वो बताते हैं कि जो टाइटल वो खुद में ही एक इंडिकेशन देता है कि ऑथर ने बहुत से टेक्निक इस्तेमाल किए और मेथड इस्तेमाल किए लेकिन वो फेल हो गए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।